बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी का कहना है कि हम सरकार की विफलताओं को लेकर जनता के पास जाएंगे, जिससे हमें नगरीय निकाय चुनाव में फायदा मिलेगा। अंबिकापुर में विक्रम उसेंडी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभिषेक सोनी ने। प्रदेश में निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है और पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुटी हुई हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी जी खुद संभाग स्तर पर बैठक ले रहे हैं और तमाम बारीकियों से रूबरू हो रहे हैं। सरगुजा संभाग की बैठक लेने विक्रम उसेंडी जी पहुंचे हुए हैं, आइए उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह की तैयारी भाजपा की है, खासकर नगर निगम चुनाव को लेकर? देखिए, नगरीय निकाय चुनाव की दृष्टि से ये संभागीय स्तरीय बैठक का आज यहाँ पर सरगुजा अंबिकापुर में रखी गई है। उसमें हमारे 5 जिले के सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी और नगरीय निकाय के हमारे पदाधिकारी और सभी वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहेंगे। उसमें पूरी चर्चा और आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव की दृष्टि से पूरे तैयारियों के संबंध में चर्चा भी होगी। इसके पहले हमारी बैठक 1 अक्टूबर को थी रायपुर संभाग की, तो वहाँ पर भी बैठक हुई है। इस प्रकार से अलग अलग संभागवार आज हमारी जो अंबिकापुर में जो बैठक होने वाली, इसके साथ साथ 9 तारीख को हमारी बिलासपुर संभाग की बैठक है, फिर उसके बाद 5 तारीख को दुर्ग संभाग की बैठक है और सबसे अंतिम हम बस्तर संभाग की बैठक करेंगे, क्योंकि वहाँ पर अभी उपचुनाव वहाँ पर चल रहा है। तो इस प्रकार से हमारी नगरीय निकाय चुनाव की दृष्टि से हम हमारे सभी नेताओं से चर्चा करके आने वाले समय में रणनीति के साथ साथ और बेहतर हमारा कैसे तैयारी हो, इसके दृष्टि से ये बैठक जहाँ पर हम नगरीय निकाय चुनाव की दृष्टि से हम प्रभारी के रूप में हमारे पूर्व नगरीय निकाय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता हमारे अमर अग्रवाल जी हैं इसके प्रभारी, और एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं भी बैठकों में भी आई रहा हूँ, और आज पूरी चर्चा के बाद आने वाले समय में पूरे तैयारियों के साथ साथ और रणनीति के संबंध में इसकी पूरी चर्चा पार्टी में होने वाली है। तो ये थे विक्रम उसेंडी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो प्रदेश सरकार है वो अपने वादों और दावों में कहीं ना कहीं फेल हुई है, और अब जब नगर निगम के चुनाव हैं, नगरीय निकाय के चुनाव हैं, तो भाजपा बेहतर प्रदर्शन करेगी और अधिक से अधिक नगरीय निकायों में भाजपा अपनी सरकार बनाने में सफल भी होगी। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।